हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि इस टाइप का फोटो मोजैक पोर्ट्रेट आप फोटोशॉप में किस तरीके से रेडी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं फोटोशॉप पे क्रिएट करता हूँ एक न्यू डॉक्यूमेंट। A4 साइज का मैं पेपर लेता हूँ लैंडस्केप मोड में और क्रिएट पे क्लिक किया तो आपके पास A4 साइज का यहाँ पे पेज आया। इसके बाद हमें क्या करना है, मैंने क्या किया हुआ, जितनी भी फोटोज मेरे को इसके अंदर यूज करनी है मैंने एक फोल्डर के अंदर वो सारी फोटो डाल ली है। अगर आपको कितनी फोटो यूज करनी है सभी फोटोज को आप एक फोल्डर के अंदर यहाँ पे डाल लीजिए। सबसे पहले आपका वर्क ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है, ऑटोमेट पे जाना है और कॉन्टेक्ट शीट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब आपके पास इस टाइप का डायलॉग बॉक्स आएगा तो सबसे पहले आप करेंगे यहाँ पे फोल्डर को चूज, जो आपको फोल्डर चूज करना है चूज पे क्लिक करें और वो फोल्डर जिसको मैंने बनाया उसको आप सिलेक्ट करें एंड ओके करें, वो फोल्डर आपका आ जाएगा। अगर आपके सब फोल्डर्स हैं उसके अंदर भी फोटोज है तो आप इंक्लूड सब फोल्डर्स कर सकते हैं तो आपके सब फोल्डर्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स में, मैंने यहाँ पे यूनिट इंचीज लिखी है, यहाँ पे आप इंचीज चूज करें, विड्थ आप 12 करें, हाइट आप 8 करें, क्योंकि जितने भी फोटोज है मोस्टली मैंने लैंडस्केप में ली हुई है तो हम यहाँ पे लैंडस्केप में का ही रेशियो यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद जो आपका रेजोल्यूशन है वो आपका 150 आप यहाँ पे रखोगे और पिक्सल पर इंचेस आप यहाँ पे रखोगे। फ्लैटन ऑल लेयर को आप अनचेक करोगे, चेक नहीं करना, अनचेक करना है। मोड आपका RGB कलर रहेगा और बिट डेप्थ आप 8 बिट यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद नीचे जाएंगे जो थंबनेल्स में, वहां पे प्लेस पे आप करोगे अक्रॉस फिट। अब कॉलम्स और रो, कितनी आपको कॉलम चाहिए कितनी आपको रो चाहिए। अब यहाँ पे मैंने जो फोटो लिया वो लिया 49 इमेजेस। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 7 तो कॉलम्स की है और 7 ही मैंने रोज की, 7 × 7 इज इक्वल टू 49 इमेजेस आपकी बनती है। अगर आप 8 × 8 करते हैं, 10 × 10 करते हैं, जितनी भी आप करते हो उनका मल्टीप्लाई करके उतनी ही फोटोज आप उस चीज में चूज कर सकते हो, क्लियर है। उसके बाद है जो आपका यूज ऑटो स्पेसिंग अनचेक करना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्पेस मैंने 0 रखा है, ये मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये 0 ही स्पेसिंग में रखना चाहता हूँ। और यहाँ पे मैंने चेक किया है रोटेट फॉर बेस्ट फिट, कि अगर आपका बेस्ट फिट ना हो तो वो रोटेट कर ले अपने अकॉर्डिंग बेस्ट फिट के लिए। और यूज फाइल नेम एज ए कैप्शन को मैं अनचेक किया, ये चेक नहीं करना। इतनी सेटिंग करने के बाद आपको करना है यहाँ पे ओके। जैसे आप ओके करोगे तो आपका एक प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होगा, जितनी भी आपकी इमेजेस थी वो सारी की सारी यहाँ पे आनी स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से आपको 2 मिनट का वेट करना है जैसे ही आपका ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आप जैसे ही आप यहाँ पे फिनिश होगा तो सारी के सारी इमेजेस आपकी इस तरीके से आपके यहाँ पे आ जाएंगी। अब आपको क्या करना है, आप काफी इमेज देख रहे हो यहाँ पे, जिसका यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्पेसिंग यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, इनकी प्रॉपर है, किस कोई कोई इमेज रहेंगी जिनकी स्पेसिंग प्रॉपर नहीं रहेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उस इमेज पे क्लिक करना है जिसकी स्पेसिंग प्रॉपर नहीं है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, उस इमेज को यहाँ पे आ जाएगा, वो सिलेक्ट कर लेगा और इसके बीच के लिंक को आपको अनचेक करना है। अनचेक करने के बाद आप इस पे क्लिक करें, शो ट्रांसफॉर्म टूल आपका ऑन होना चाहिए ताकि आपको एक कंट्रोल पॉइंट नजर आए, और शिफ्ट और अल्ट की हेल्प से आप प्रेस करें और इसको स्ट्रेच कर दें ताकि वो आपका प्रॉपर आ जाए इस तरीके से। अगर आप इस जैसे इस इमेज को करना है आप इसको क्लिक करते हैं, अगर आप ये लिंक नहीं हटाते हो यहाँ से तो होगा क्या कि अगर आप अभी स्ट्रेच करोगे तो वो इमेज तो आपकी उस एरिया को भी कवर करेगा, क्लियर है। तो ये नहीं करना है, आपको लिंक हटाना है और लिंक हटाने के बाद ही आप इसे स्ट्रेच करें ताकि वो अपने ही स्पेस में प्रॉपर प्लेसिंग पे है। तो ऐसे करके आपको सभी को लिंक हटा के जो जो इमेज का आपका सही से नहीं है आपको प्रॉपर प्लेस। कोई भी नाम आप यहाँ पर रख सकते हो, ओके आप करें। ओके करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको वो इमेज ओपन करनी है जिस इमेज पे आपको वर्क करना है। ये वाली इमेज है, मैंने इसको ओपन किया, ये वाली इमेज आपकी यहाँ पे आ गई है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है नीचे,
जो आपका क्रिएट एडजस्टमेंट लेयर है, और इस पे क्लिक करके पैटर्न पे क्लिक करना है, और आपका अब ये वाला पैटर्न यहाँ पे आएगा जो आपकी इमेज आपने बनाई थी। इसको आप स्केल कर सकते हो अगर आपको ज्यादा बड़ा करना है, या फिर आप स्केल आउट कर सकते हो जितना भी आपको स्केल चाहिए। मान लो मैंने इतना रखा, काफी सारी इमेजेस मेरे यहाँ पे आ गई हैं। अब आप इसे ओके करें। ओके करने के बाद अब आप इसे जो आपका ब्लेंड मोड है इसे आप कर दे ओवरले। जैसे आप ओवरले पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वो आपका ओवरले हो गया और इस इमेज को इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इसको कर देते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट। और हम क्या करेंगे, अब एडिट इमेज पे जाएंगे, एडजस्टमेंट पे क्लिक करेंगे और शेडो एंड हाइलाइट्स पे क्लिक करके हम इसकी शेडोज को यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे चेक नहीं होगा तो आप इसे चेक करें, आपको और ऑप्शन नजर आएंगे। अब आप इसे अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे कि कितना अमाउंट मेरे को चाहिए, कितना टोन मेरे को चाहिए, मतलब अपनी हाइलाइट्स को अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आपका इफेक्ट अच्छा आए यहाँ पे। तो ये सेटिंग्स आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि कितना मेरे को रेडियस चाहिए। जैसे जैसे आप चेंज करोगे यहाँ पे आपको वो सब चीजें दिखती रहेंगी यहाँ पे। क्लियर है? तो यहाँ पे ये करने के बाद आप इसे करें ओके। ओके करने के बाद आप यहाँ पे जो आपका शेडो हाईलाइट है इस पे इस बटन पे डबल क्लिक करें तो आप इसे ब्लेंडिंग ऑप्शन ओपन हो जाएगा, और आप इसे यहाँ पे डिसॉल्व पे क्लिक करें, और डिसॉल्व पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से भी इसकी ओपेसिटी को, जो आपका इफेक्ट लगाया आपने शेडो का, उसके ओपेसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसके फर्दर आप क्या कर सकते हैं कि आप इस पे सिलेक्ट करें, मान लो आपका ये आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है तो आप इसकी ओपेसिटी को यहाँ से कम कर सकते हैं कि मेरे को थोड़ा कम चाहिए, या फिल आपके इसका कम कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इस चीज को आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके का आपका ये आएगा इमेज यहाँ पे। मैं और भी इसकी सेटिंग्स को थोड़ा चेंज करता हूँ, जो आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, हाइलाइट्स है, हाइलाइट्स को और अमाउंट को मैं यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चेंज करता हूँ ताकि इसका एक स्मूथ सा इफेक्ट आपको यहाँ पे नजर आए। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आपका इफेक्ट नजर आएगा, और फर्दर जो भी आपको चेंजेस करने हैं आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कर सकते हो। तो इस तरीके की इमेजेस आप बहुत अच्छे से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये चीज आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर।